हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, अगर आपके पास सुपर क्वाइन है, अगर आपके पास क्वाइन है इसमें फ्लिपकार्ट में, अगर आपने फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट का बहुत बुक करते हैं आप, तो आपके पास कई सारा सुपर क्वाइन इकट्ठा हो गया होगा, तो आप उस सुपर क्वाइन को यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल के रिचार्ज करने पे। आप अपना मोबाइल का यहाँ पे रिचार्ज करिए और रिचार्ज करके आप जितना का डिस्काउंट हो रहा है उतना डिस्काउंट आप ले सकते हैं, उतना कूपन आपका यूज़ हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये का 10 रुपये आपका डिस्काउंट होगा। अगर आप 20 अगर आपके पास 20 सुपर क्वाइन है तो 10 रुपये का रिचार्ज आप यहां पे कर पाएंगे। अगर आपके पास 50 सुपर क्वाइन है तो आप 50 रुपये का आपका 25 रुपये आपका ऑफ हो जाएगा आपके रिचार्ज करने पे। तो जितने का जितना ऑफ हो रहा है उससे ज़्यादा का आपको रिचार्ज करना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टर्म एंड कंडीशन में वो चीज़ लिखी होगी, 50 रुपये ऑफ होगा मोबाइल रिचार्ज पे। आपको मोबाइल रिचार्ज आप करेंगे तो 50 रुपये ऑफ होगा, तो यहाँ पे 51 रुपये या उससे ऊपर का रिचार्ज करेंगे तो 50 रुपये आपका डिस्काउंट होगा, और यहाँ पे 100 रुपये आपका डिस्काउंट होगा। 200 सुपर क्वाइन अगर आपके पास है तो आप 100 रुपये यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा मोबाइल रिचार्ज करने पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टर्म एंड कंडीशन कहाँ मिलेगी। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, हाउ टू यूज़ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है, और यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, उसे जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए 25 रुपये का डिस्काउंट आपको तब होगा जब 26 रुपये मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू 26 रुपये विल ट्रांजेक्शन ऑफ फ्लिपकार्ट रिचार्ज पावर्ड बाई मोबीक्विक। अगर आप 26 रुपये या उससे ऊपर का रिचार्ज करते हैं तो वही आपका 25 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट होने वाला है। तो आप जितने का आपको डिस्काउंट हो रहा है उससे 1 रुपये ऊपर या उससे ऊपर का आप रिचार्ज करें। और यहाँ पे कूपन कोड कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कूपन कोड अप्लाई करके और रिचार्ज कर लीजिए, रिचार्ज में कूपन कोड लगा दीजिएगा, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे कूपन अप्लाई कर पाएंगे और कूपन रिडीम करेंगे, कैसे कूपन को क्लेम करेंगे और उसके बाद कैसे रिचार्ज करेंगे वह मैं आपको दिखाता हूँ। सब मैं 50 रुपये ऑफ यानी 100 सुपर क्वाइन का मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 108 सुपर क्वाइन है। ठीक है, तो हम इस ऑफ़र को लेंगे 50 वाले को, और यहाँ पर सारी कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको 51 रुपये या उससे ऊपर का रिचार्ज करना होगा तो 50 रुपीज़ आपका डिस्काउंट होगा। तो कूपन अप्लाई करने के लिए आपको क्लेम नाउ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे लिखा होगा यू हैव रीड द ऑफर टर्म एंड कंडीशन, यू आर अबाउट द यूज सुपर क्वाइन फ्रॉम द सुपर क्वाइन बैलेंस कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे, और ये आपका ऑफ़र कोड है और इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए ऊपर टैप करें, इस पर क्लिक करेंगे, आपका कूपन कॉपी हो गया है और आपका 100 सुपर क्वाइन भी यूज़ हो चुका है। अब ये 30 जुलाई तक वैलिड है आपका, और ये आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है। इसे चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, व्यू टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं, हेल्प नीड हेल्प में जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट रिचार्ज में ही लेके चलता हूँ। यहाँ पर रिचार्ज इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम रिचार्ज नीड एक्सेस टू फोन योर नंबर अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने मोबीक्विक में अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ मोबीक्विक से ही रिचार्ज होता है। यहाँ पे ऑटो फिल कर देंगे, जो हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर ऑटो फिल नहीं होता है आपका तो लिख लीजिएगा 2714, ये ओटीपी कोड है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पे। एक बार हम इसे बैक करेंगे और
और बैक जाएंगे और फिर से यहाँ पे हम जाएंगे, या यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ओटीपी ऑटो फिल पे नहीं करना है, आपको मैनुअली ओटीपी फिल करिएगा, क्योंकि ऑटो फिल पे करेंगे तो इसी तरीके से आपका हो सकता हो आपका भी आप ऑटोमेटिक फिल ना हो। मेरा फिल हो जाता अगर मैं और देर तक उसे वेट करता तो हमारा ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप मैनुअली ओटीपी फिल करिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद वहाँ पे अपना मोबाइल रिचार्ज करिएगा और वहाँ पे कूपन का जहाँ कूपन कोड अप्लाई का ऑप्शन होगा, कूपन कोड अप्लाई पे क्लिक करके और वहाँ पे जो आपने कूपन कोड कॉपी किया है उसे वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे और उसके बाद रिचार्ज करेंगे। आपका देखेंगे वहाँ पे 50 रुपीज़ डिस्काउंट होगा, तो आप उस तरीके से रिचार्ज करिएगा। वैसे मैं आपको कल रिचार्ज करके दिखा दूँगा यहाँ से कि रिचार्ज कैसे करना है और कैसे कूपन कोड अप्लाई करना है। चाहे तो आप कूपन कोड रिडीम करके रख सकते हैं और ये 30 तारीख तक आपका वैलिड होगा। अब मैं आपको डेट जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 30 जुलाई तक हमारा कूपन कोड वैलिड है, तो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मैं आपको इसका वीडियो कल दूंगा रिचार्ज करने का कि किस तरीके से रिचार्ज करना है। और आप इसे कूपन कोड कूपन क्लेम कर लीजिए, अगर रिचार्ज आपको नहीं करना है अभी वीडियो देख के ही करना है तो आप कूपन कोड क्लेम कर लीजिए, ताकि कूपन ऐसा ना हो कि कूपन ख़त्म हो जाए और फिर आप इसे क्लेम ना कर पाएँ, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक ये ऑफ़र नहीं चलता है, ये कुछ समय तक ही ऑफ़र चलता है। तो आप कूपन कोड क्लेम कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।